अबाउट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कॉलेज़न। मेटाबॉलिज्म ऑफ कॉलेजन का मतलब क्या कि कॉलेजन के सिंथेसिस और कॉलेजन की डिग्रेडेशन मेनली हमारे पास जो ये मेटाबॉलिज्म होता है कॉलेजन का उसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है हमारे पास टीनो साइड्स कंट्रोल कर रहे है, tendons. Tendons होते हैं इन टेंडन के अंदर जो स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं टीनो साइड्स वो इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं अब जो पहले हम बात करेंगे किसकी सिंथसिस की कि कॉलर्जन जो होता है वो सिंथेसाइज कैसे होता है हमारे पास इन सेल्स के अंदर अब जिस प्रोसेस के थ्रू टीनोसाइड सिंथेसिस करते हैं वो होता है मकैनो ट्रांसडक्शन मकैनो ट्रांसडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच टीनोसाइड द दॉलजन अब कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर होती हैं हमें सिंथेसिस के लिए तो सबसे पहले तो हमें चाहिए होता है कि इंटेग्रिंग का मॉलिक्यूल और उसके साथ हमारे पास कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पास अब उस ग्रोथ फैक्टर्स में कौन कौन से ग्रोथ फैक्टर होते हैं हमारे पास एक होता है टी जी एफ बीटा एक होता है हमारे पास ई जी एफ एक होता है हमारे पास ई जी एफ बी पी एक होता है हमारे पास एफ जी बी वी ई जी एफ अब ये क्या है बहुत ईजी है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा इंसुलिन लाइक -like ग्रोथ फैक्टर इंसुलिन लाइक -like ग्रोथ फैक्टर है ना उसके लिए बाइंडिंग प्रोटीन्स होंगे अगर उसके लिए बाइंडिंग प्रोटीन्स होंगी तभी वो काम करेगा तो उसकी बाइंडिंग प्रोटीन्स और फिब्रो ग्रोथ फैक्टर होता है और एक होता है विजो एक्टिव एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर ये हमारे पास मेन फैक्टर्स होते हैं रिक्वायर होते हैं जो उसके साथ हमारे पास कुछ अमाउंट में हमारे पास प्रोस्टाग्लैंड प्रोस्टाग्लैंडिन और प्रोटियोग्लाइकन को आप लोगों ने मिक्स नहीं करना सिंथेसिस वो कॉलेजन का जो साथ हमारे पास पड़ा होता है ना एक्स्ट्रा सेलो मैट्रिक्स में प्रोटियोग्लाइकन जो कि स्पेशल वो क्या होता है वो गैग्स होते हैं जिसके अंदर सल्फेटेड ग्रुप्स होते हैं ना वो चीज़ चीज़ें प्रो, प्रोस्टाग्लैंडिन के ग्रोथ फैक्टर के तौर पर एक्ट कर रहा होता है यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन के साथ हमारे पास कुछ इंटरल्यूकिन भी होते हैं तो ये हमारे पास थे रिक्वायर और इसके अलावा हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्जाइम होता है जिसका नाम क्या है हमारे पास एम ए पी के एम ए पी के स्टैंड्रोजिन एक्टिवेटेड पहले आप लोगों ने ये चीजें याद कर लेनी है ये याद हो गई तो उसके अलावा कुछ भी नहीं है सिंथेसिस में एक इंटेग्रिन, कुछ ग्रोथ फैक्टर्स है वाले सारे और कुछ हमारे थोड़ी मॉर्मी रिल्यूकेंस भी होता है हमारे पास कौन सा एम ए पी के इनसाइड अब ये सिंथेसिस जो होती है ना इनसाइड हमारे पास सेल होती है अगर फॉर एग्जांपल ये मैं टीनोसाइट ले लूँ ठीक है ये हमारे पास क्या है टीनोसाइट है अब इस सेल के अंदर क्या होता है एक न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस के अंदर डीएनए एन ए तो उस डीएनए के ऊपर हमारे पास स्पेशल जो होती है ना वो कोलेजन की जीन होती है जिसने कोलेजन की क्या करवानी होती है सिंथेसिस करवानी होती है कोलेजन की जीन है ये जनरल से हम समझ रहे अब हमारे पास इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर ना टीनोसाइट की मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे पास पड़ा हुआ है ये क्या इंटैग्रीन का ये इंटग्रीन पड़ी हुई है हमारे पास ठीक है अब वो कहते हैं कि जैसे ही लोड पड़ता है ना हमारे ऊपर टेंडन के ऊपर तो उसके जो सेल ये ए, एक ना सेंसर है यानी कि इसने ना जल्दी से टेंसाइल लोडिंग को ना सेंस कर लेना है कि अब इसको पता लग गया कि जी टेंसाइल लोडिंग आ गई है के साथ ही हमारे पास वो वाले जो फैक्टर्स थे ना ग्रोथ फैक्टर्स वो पड़े होते हैं अब ये ग्रोथ फैक्टर्स और ये दोनों मिल के ना सिग्नल जनरेट करते हैं और उस सिग्नल को ट्रांसमिट कर देते हैं ये साइटोसोल के अंदर अब क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है हमेशा उसी के अंदर किसी ना किसी चीज़ की जीन की जीन पड़ी होती है इसी तरह जो हमारे पास ना हमारे पास जीन पड़ी हुई होती है किसकी कॉलोजन की जीन पड़ी हुई होती है जिसने क्या करवाना होता है कॉलेजिन की सिंथेसिस करानी होती है अब वो कहते हैं वो सिग्नल साइटोसोल तक तो आ गया अब हमने इस सिग्नल को इधर तक भेजना है अब इधर तक भेजने के लिए यहाँ पे ही हमारे पास वो इंजाइम की जरूरत पड़ती है एम ए पी के माइट्रोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनीस अब ये इंजाइम अंदर जाता है और अंदर जाके एक्टिविटी लाइक जीन एक्सप्रेशन के तौर पर काम करता है और कॉलेजन जीन को कहता है चलो जब जीन बना दो अब कॉलेजन बना दो अब वो जो कॉलेजन बनाता है ना वो हमारे पास एक प्रो कॉलेजन होता है मतलब अभी कॉलेजन का ये इन इमिचोर कह लो कि अब कॉलेजन होता है अब ये जो प्रो कॉलेजन होता है ना ये जाता है किसके पास हमारा जो इधर पड़ा होता है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके पास जाता है वहाँ पे इसकी पैकिंग वगैरह होती है और वो कहाँ चला जाता है अब ये फिर बाद में जो है ना इसकी जो है ना वो बाहर हमारे सेल के बाहर से हो जाता है किसके अंदर हमारे एक्सोसेलोमेट्रिक के अंदर अब ये हमारे पास क्या होता है हमारा कॉल जन होता है तो यही थी हमारे पास कॉलेजन की सिंथेसिस बेसिकली कि इंटेग्रिन होते हैं उसके साथ कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो मिलके क्या करते हैं ए ए अंदर साइटोसोल तक सिग्नल ले आते हैं फिर वहाँ पे इंजाइम होता है वो उसको अंदर ले जाता जाते हैं अब बुक के अंदर भी ना डायग्राम बनी हुए उसके थ्रू भी हम देख लेते हैं कि ये देखिए ये था हमारे पास क्या इंटाग्रीन का मॉलिक्यूल ये अब इसके साथ ही कुछ ग्रोथ फैक्टर्स हैं इन्होंने क्या किया मैकेनिकल लोडिंग हुई साथ ही सिग्नल साइटोसोल साइटोसोल पे 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 गया हमारे पास क्या है है जिसने उसको अंदर तक भेजे कॉलोजन की जीन है अब इसने इसको अब क्या होगा ये इसने सिंथेसाइज करके रफ रेटिकुलम रेडिकुल भेजना है फिर वो प्रो प्रोकलोजन चेन्स बन गई फिर मॉलिक्यूल वो बाहर से क्रिएट हो जाता है और फिर वो कॉलोजन का मॉलिक्यूल होता है फिर इसी तरह कॉलोजन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना जब वो आपस में मिलते हैं मिलकर फेब्रिल बना देते हैं जब ज्यादा सारे फिब्रिल मिलेंगे तो वो फाइबर्स बना देंगे इसी तरह ये होती है हमारे पास जनरल सी क्या सिंथेसिस ऑफ कोलेजन अब एक जो कोलेजन का मॉलिक्यूल होता है ना अब जो मतलब हमारे पास बन गया उसके अंदर ना तीन चेन्स होती हैं तीनों ही कौन सी चेन्स हैं अल्फा चेन्स होती होती हैं अब जो पहली और दूसरी तो बिल्कुल सेम होती है इसलिए उनको अल्फा वन का नाम दिया जाता है तीसरी वाली थोड़ी डिफरेंट होती है तो किस को नाम दे दिया जाता है किसका अल्फा टू का नाम दे दिया जाता है ये तीन चेन्स पड़ी होती हैं वो कहती है ये तीनों चेन ना आपस में कंबाइन करती हैं किस तरह एक राइट हैंडेड एक राइट ट्रिपल हेलिक्स बना देती क्योंकि देखो जैसे आपने डीएनए को देखा होता है ना कि वो दो होती है ना चीज वो आपस में डबल हेलिक्स बनाते हैं ये तीनों बाइंड करके आपस में ना ट्रिपल हेलिक्स बना देती हैं अब वो कहते हैं इनके दरमियान में ना जो अब ये जब जो ट्रिपल हेलिक्स बनता है ना इनका ऐसे ऐसे करके जो रफ्सा बनेगा तो वो कहते हैं इनके अंदर जो होते हैं ना वो क्रॉस लिंक्स होते हैं इनके अंदर क्रॉस लिंक्स बने हुए होते हैं वो क्रॉस लिंक्स जो होते हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वही क्रॉस लिंक्स जो होते हैं ना हमारे पास वही हमारे पास स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे होते हैं कॉलेजन को कि यानी कि जो कॉलेजन बना है ना उसके अंदर क्रॉस लिंक्स ना हो ना तो कॉलेजन का हमें कोई फ़ायदा नहीं वो हमें कोई स्ट्रेंथ दे रहा वो क्रॉस लिंक्स ही बेसिकली सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ होता है टेंसाइल लोडिंग को बेयर करने के लिए अब जो इनकी होती है ना क्रॉस लिंक किस तरह होता है ये हेड टू टेल होते हैं ठीक है हेड टू टेल है टेल इनके आपस में कंबाइन करते जाते हैं और वो जो है ना आपस में जो है ना वो बनाते जाते हैं तो ये तो थी हमारे जैसे हमारे पास कोई न्यूली फोर्म्ड कोलेजन होता है ना वो भी आप कह लो कि जैसे एक बच्चा होता है ना तो उसकी हड्डियाँ क्या थोड़ी कमजोर है लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है तो उसके अंदर कैल्शियम वगैरह ज्यादा आते जाते हैं उसकी हड्डियाँ मजबूत होती जाती हैं इसी तरह वो कहते हैं जो न्यूली फॉर्म्ड कोलेजन होता है ना इसका ये सीन होता है कि इसके अंदर जो लिंक्स बने हुए हैं ना जो लिंक्स होते हैं वो क्या होते हैं रिड्यूसेबल जो होते हैं ना वो ज्यादा होते हैं ईजीली क्या हो जाएंगे ज़्यादा होते हैं लेकिन जैसे जैसे एज होती जाती है ये जो रिड्यूसेबल लिंक्स हैं ये क्या होते जाते हैं कम होते जाते हैं जब ये कम होंगे तो क्या ज़्यादा स्टेबल होता जाएगा कॉलेज ठीक है तो यही एक बात है कि न्यूली जो होते हैं उनके अंदर रिड्यूसेबलिंग ज़्यादा होते हैं लेकिन जैसे जैसे एज ग्रो होती है तो वो रिड्यूसेबल कम होते जाते ज़्यादा स्टेबल होते जाते हैं अब वो वो रिड्यूसेबल कम कैसे होते हैं एक प्रोसेस के थ्रू होते हैं जिसको कहते हैं ग्लाइकेशन ग्लाइकेशन क्या क्या होता है कि उनके दरमियान में एडिशन होती जाती है किसकी ग्लूकोज की तो इससे फिर जो है ना वो उनको स्ट्रेंथ मिलती जाती है वो ज़्यादा स्टेबल होते जाते हैं अब वो कहते हैं जो हमारे पास कॉलेजन का एक मॉलिक्यूल है ना अब जैसे एक मॉलिक्यूल तैयार होकर बाहर निकला था अब जब ज़्यादा सारे कॉलेजन मॉलिक्यूल है और जब ज़्यादा सारे कॉलेजन के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं ना तो वो बना देते हैं क्या फिब्रिल्स और जब ज़्यादा सारे फिब्रिल्स मिलते हैं तो वो बना देते हैं फाइबर्स और फाइबर्स फिर फर्दर जो होते हैं ना बंडल्स की शक्ल में अरेंज हो जाते हैं अब अगर हमने टीनोसाइट को देखा था तो क्या कहा था कि इस तरह कोलेजन पड़ा होता है और कोलेजन के साथ ही पैरल टीनोसाइट अरेंज हो जाता है यही वो बंडल्स ही होते हैं फिर इनके साथ ही हमारे पास टीनोसाइड अरेंज हुए हुए होते हैं वो कहते हैं एक बहुत ही ना मज़े का वर्ड है क्या वर्ड यूज़ किया कहते हैं क्रिम्प अब इसका क्या मतलब है वो कहते हैं जो हमारे पास कोलेजन का स्ट्रक्चर होता है ना वो थोड़ा क्रिम्पी सा होता है अब इसका फ़ायदा ये होता है कि जब ज़्यादा स्ट्रेंथ पड़ता है वो ज़्यादा जो ना इजीली स्ट्रेट हो जाता है स्ट्रेट हो जाता है तो ज़्यादा स्ट्रेंथ बेयर कर लेता है लेकिन अगर वही पहले ही स्ट्रेट हो तो उस पर स्ट्रेंथ ज़्यादा आए तो वो जब टेंशन उस पर आएगी वो खिंचेगा तो वो तो फिर टूट जाएगा लेकिन उसमें थोड़ा क्रिम्पी सा होता है जब स्ट्रेट करते हैं तो वो हमारा बचा बचा रह जाता है और हमारा मकसद जो होता है वो भी पूरा हो जाता है तो ये तो थी हमारे पास क्या थोड़ा सा सिंथेसिस और उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं डिग्रेटेशन को अब जो कॉलेजन की डिग्रेडेशन है ना वो दो तरह से होती है एक तो विद इन सेल जिसको क्या कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर और एक सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलरली इंट्रो सेलुलर डिग्रेडेशन होती है बड़ी इजीली हो जाती है किस तरह फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है ना उसके जरिए जो है ना हमारी जो कॉलेजन होती है ना वो टूट जाती है लेकिन जो एक्स्ट्रा सेलुलर होती है ना उसके लिए ना हमें स्पेशल चीज़ चाहिए होती है जो कि कहते हैं एम एम पीस अब ये क्या है मैट्रिक्स मटैलो प्रोटीनेसिस ठीक है इससे पता चल रहा है ये इन्जाइम है जिन्होंने क्या कर देना है फैसिलिटेट करना है ब्रेक डाउन ऑफ कॉलेजन को तो ये बस जनरल से हमारे पास क्या थी डिग्रेडेशन तो हमने देखी आज क्या मेटाबॉलिज्म ऑफ कॉलेजन जिसके अंदर हमने उसकी सिंथेसिस भी देखी डिग्रेडेशन भी देखी सिंथेसिस हमने देखा टीनो के अंदर होती है मकैनो ट्रांसडक्शन के थ्रू होती है कुछ कौन से ग्रोथ फैक्टर चाहिए इंटाग्रीन चाहिए इंजाइम चाहिए वो किस तरह ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल और फर्दर बन जाता है प्रोकोलॉजन बनता है वो फिर फर्दर ई से गुजर के आके उसकी जो है वो इलॉन्गेशन चेन वगैरह बनती है और दैन फिर बायर सिक्रेट हो जाता है किधर हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर और उधर वो जो है कॉलेजन होता है पूरा फिर वो मॉलिक्यूल मिलते हैं तो फाइब्रिल्स बना देते हैं फीब्रल्स मिलकर फाइबर्स बना देते हैं फाइबर्स के बंडल्स बना देते हैं और वो अरेंज हो जाते हैं एंड दैट्स इट फिर हमने डिग्रेडेशन की बात की वो इंट्र भी होती है एक्स्ट्रा सेलुलरली भी होता है इंट्रो सेलोरी फिगर के थ्रू हो जाती है और एक्स्ट्रा सेलोरली हम स्पेशल इन्जाइम चाहिए होते हैं वो कौन से मेट्रिक्सो मेटेलो प्रोटी एनेजेस ठीक है ये इन्जाइम चाहिए होता है जिस जो कि क्या करते हैं ब्रेक डाउन करवा देते हैं कॉलेजन की अब फर्दर हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो देखेंगे कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिगामेंट्स